केरल स्टोरी फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर पर दी है। द केरला स्टोरी लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद के षड्यंत्र को उजागर करती है, उसके घिनौने चेहरे को सामने लाती है। क्षणिक भावुकता में जो बेटियां लव जिहाद के जाल में उलझ जाती है, उनकी कैसे बर्बादी होती है ये फिल्म बताती है। आतंकवाद के डिजाइन को भी ये फिल्म उजागर करती है। ये फिल्म हमें जागरूक करती है। मध्य प्रदेश में पहले ही हमने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया है, लेकिन ये फिल्म जागरूक करती है। इस फिल्म को सबको देखना चाहिए, पालकों को भी देखना चाहिए, बच्चों को भी देखना चाहिए, बेटियों को भी देखना चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश शासन इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहा है। द केरल स्टोरी केरल की महिलाओं के ग्रुप के बारे में बनी फिल्म है जो ISIS में शामिल हो जाती हैं। फिल्म 5 मई यानी कि शुक्रवार को रिलीज हो गई है। CBFC ने फिल्म की रिलीज से पहले इसमें 14 कट लगाने को कहे थे। 26 अप्रैल को इसका ट्रेलर रिलीज हुआ। 2:45 के ट्रेलर में दिखाया गया कि कैसे कॉलेज जाने वाली 3 लड़कियाँ एक आतंकी संगठन से जुड़ जाती हैं। द केरल स्टोरी फिल्म के टीजर में यह दावा किया गया कि केरल में 32,000 से ज़्यादा लड़कियां गायब हुई थीं। ट्रेलर में भी हजारों लड़कियों के धर्म परिवर्तन के बाद ISIS ज्वाइन करने की बात कही गई है।